खेल है। किसी का दांव पलट गया है, किसी का चल गया है, खेल है, इट्स अ गेम। आम आदमी डर के मारे नहीं खेलता, हार गए तो, बिकॉज सोसाइटी हैज क्रिएटेड सर्टेन पैरामीटर्स टू डिप्रेस कॉमन पीपल कि हार जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। फिर हो गई बेइज्जती, फिर अब क्या होगा? नहीं बेइज्जती होगी, हाँ तो क्या होगा? बेइज्जती होगी तब भी तो लोग तुम्हें डिस्कस करेंगे। मुलायम सिंह यादव सेड वंस कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तुम एक डर अपने दिमाग से निकाल दो, हारने का कुछ नहीं होगा, मरोगे फाइनली, ये पक्का है। फाइनली ऑल हैव टू डाई। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मस्ती करो और काम करो। सोसाइटी हैज सेट सर्टन थिंग्स इन यू कि हार जाओगे। यू सिट विद द पीपल, टॉक बिग थिंग्स, सी द रिएक्शन ऑफ द पीपल। इफ राहुल गांधी सेज आई वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, नो वन विल लाफ ऑन हिम, ऑल्दो ही विल नेवर बिकम। इफ यू से, एवरी विल स्टार्ट लाफिंग ऑन यू। व्हाई? टू डिमोरलाइज यू। राणा प्रताप हार गए, इमॉर्टल है ना राणा सांगा, ओसामा बिन लादेन लोग जानते तो हैं, मानसिंह नहीं लड़े, कोई नहीं जानता। खेल है और उस खेल को तुम्हें समझना है। प्रिकॉशन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गेम। यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीवन। और हर आदमी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा है। एवरीवन, सबका मोटिव ही यही है, मजा आता है ना। हर आदमी, और जब वो नहीं कर पाता तो बहुत परेशान होता है। मैं ध्यान करता रहता हूँ, दो तीन घंटे बैठा रहता हूँ तो फैजल भाई हमारे कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो वैसे तो उठा नहीं पाते, तो गाना गाते हुए अंदर आते हैं, हो जा सर कैसे हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि ये तो 10 मिनट नहीं बैठ सकते, और मैं डंडा उंडा लगा के एकदम बैठे तो आते हैं 4-5 बार। मुझे बुरा नहीं लगता। पढ़ाई क्या है? सीख है। तुम सोचते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेता बन जाना, मंत्री, इलेक्शन लड़ जाना। नहीं सर, हम पैसा नहीं है। बाबा बन जाना। अभी तुम्हारी उम्र 21-22 साल होगी, 10-12 साल बाद जितने अभी प्रेजेंट नामी बाबा हैं सब खत्म हो जाएंगे, तो तुम आ जाना, आईएएस की तैयारी करोगे, नॉलेज का भंडार रहोगे, 10-12 अच्छे लोग रखना, कायदे के चमचे, चेला स्ट्रांग। वो खड़े हो जाए बीच में, बाबा जी आपकी ताबीज ले गए थे, लड़का क्लर्क बन गया, ओ बैठो 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 बैठो। एक कोई इधर झगड़ा हो जाएगा कि बाबा जी वो है ना, ये संसार, ये धन, ये माया है, मुझे दे दो। कुछ तो बनोगे ना यार, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं बनोगे। तुम तो जबरदस्ती एक बात में पड़े हो, नहीं हुआ। और फिर ये समाज, समाज और महान है। जीवन में तुमको एक या दो आदमी मिलेंगे जो तुम्हें प्रमोट करेंगे, चढ़ाएंगे मॉरली। कभी कभी तो परिवार वाले ही इस बात को नहीं समझ पाते। आईएएस की प्रिपरेशन, किसी भी चीज की प्रिपरेशन एक स्ट्रेस है, किसी भी चीज की तैयारी एक स्ट्रेस है, उसमें से परिवार कभी कभी ना समझी में कि अब की बार नहीं हुआ तो शादी कर देंगे। अब की बार कई सारे लड़के हुए, एक लड़का है रमेश, उसका 7th अटेम्प्ट में हुआ। उसने कहा मुझसे कि सर मेरे पिताजी हर बार जब मैं फेल होता था तो कहते थे कोई बात नहीं, जब तक अटेम्प्ट है मैं अपने आप को बेच कर तुम्हें पढ़ाऊंगा।